हेलो फ्रेंड्स, हमने मंगाए थे बॉम्बे ग्रीन्स के ये DIY माइक्रो ग्रीन्स किट। तो इसमें ये सारे फ्लेवर्स हैं। ये है स्वीट बेजिल माइक्रो ग्रीन्स, इसके अंदर ये बीन्स आए हैं स्वीट बेजिल, ये मैनुअल आया है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे कैसे लगाना है और इसे ये कैसे बढ़ेंगे और कितने दिन में बढ़ेंगे। तो मैं पढ़ के दिखाती हूँ। जनरल केयर एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑलवेज वाटर द टॉप सॉइल वंस इन 24 आवर्स और वेन एवर द टॉप सॉइल लुक्स ड्राई। माइक्रो ग्रीन्स नीड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ वाटर। आफ्टर फ्यू डेज व्हेन द ग्रीन्स हैव बिकम लॉन्ग, हार्वेस्ट द माइक्रो ग्रीन्स। रिमूव द कोकोपीट आफ्टर ऑल द ग्रीन्स आर हार्वेस्टेड। कीप इन इट इन सन फॉर 2 to 3 days एंड देन इट कैन बी यूज अगेन। If stored correctly, microgreens can stay fresh in refrigerator for 2 to 3 days. Microgreens can be used with soups, salads, poha, upma, sandwiches, bhel, etc. For harvest, cut the greens along with the stems with a scissor, wash and eat. तो इसकी प्रोसेस ये है कि इसे पहले, ये कोकोपीट है, कोकोपीट को पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फुला देना है एक बड़े से मग में या किसी कटोरी में। और ये जैसे फूल जाए तो इसको हम उन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर भी इसे सोक कर सकते हैं। और ये जो बीन्स है, ये जो सोक किया हुआ है वो थोड़ा सा निकाल के बाकी का ऐसा पूरा फैला के ये जो बीन्स है उसको इसके अंदर डाल देने का, और उसके बाद ऊपर से और थोड़ा कोकोपीट डाल देने का। जैसे ये बेजिल्स, ये जो बीन्स है वो उसके ऊपर एक कोट आ जाए। ये है रेड एमरंथ माइक्रोग्रीन्स। ये सारे हर्ब्स और वेजेस है। इसमें भी सेम एनुअल दिया हुआ है कि इसे कैसे, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसमें भी वही बीन्स दिए हुए हैं पैकेट में, ये कोकोपीट दिया हुआ है और ये प्लांटिंग बैग दिया हुआ है। ये है रेडिश माइक्रोग्रीन्स, इस पर भी लिखा हुआ है ग्रो योर ओन ग्रीन्स इन 7 to 10 days विथ अवर ऑल इंक्लूसिव इको फ्रेंडली ग्रो किट। ये बीन्स है, कोकोपीट और ये बैग्स। ये है रेड एमरंथ माइक्रोग्रीन्स। ये सारे हर्ब्स और वेजेस है। इसमें भी सेम एनुअल दिया हुआ है कि इसे कैसे, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसमें भी वही बीन्स दिए हुए हैं पैकेट में, ये कोकोपीट दिया हुआ है और ये प्लांटिंग बैग दिया हुआ है। ये है रेडिश माइक्रोग्रीन्स, इस पर भी लिखा हुआ है ग्रो योर ओन ग्रीन्स इन 7 to 10 days विथ अवर ऑल इंक्लूसिव इको फ्रेंडली ग्रो किट।
कोकोपीट और ये बैग्स। ये है मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स। कोकोपीट और ये बैग। ये मैनुअल। ये कुछ बॉक्सेस है, इसमें भी DIY ग्रो किट्स है। ये मेटल टेंट के साथ आते हैं। ये मेटल टेंट दिया हुआ है। वापस बोलो। इसमें ये टेंट दिया हुआ है, इसको नीचे से होल भी है तो इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें ये कुछ सीड दिए हुए हैं। ये कोकोपीट दिया हुआ है। ये मैनुअल दिया हुआ है। और ये जो पैकेट है इसके अंदर एक ऑर्गेनिक प्लांट फूड दिया हुआ है, इसका मतलब खाद दिया हुआ है। इसमें सीड्स है। ये पैकेजिंग इसका बहुत अच्छा पैकेजिंग किया हुआ है और कार्टून्स के साथ और प्लांट्स के ड्राइंग्स के साथ, पेंटिंग के साथ इसे बताया गया है। ये सनफ्लावर सीड्स है। ये भी सेम वैसा ही टिंट है। इसमें फर्टिलाइजर, इसमें कुछ, ये जो इसके सीड्स है ये इसमें दिए हुए हैं पैकेट में। ये फर्टिलाइजर है और ये कोकोपीट। ये टिंट प्लांटेशन के लिए दिया गया है। ये रेड चेरी टोमेटोज के सीड्स है इसमें। इसमें भी सेम वैसे ही ये मैनुअल दिया हुआ है। ये फर्टिलाइजर, ये सीड्स है उसके टोमेटोज के और ये कोकोपीट। ये इटालियन बेजिल सीड्स है। सेम ये फर्टिलाइजर, ये कोकोपीट और ये सीड्स दिए हुए हैं। ये एक किट आया हुआ है इस पाउच में, इसके प्लांटेशन के लिए कुछ टूल्स दिए गए हैं।
ये सब 9 प्रोडक्ट्स है, टोटल 9 प्रोडक्ट्स है। इसका टोटल प्राइस 2498 है, अप्रोक्स 2500 में ये पूरे प्रोडक्ट्स आए हैं।